नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, टॉप 10 क्वेश्चन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, रिपीट होते ज्यादातर है ना, वो वाले कुछ क्वेश्चन में से लिख दिए। वैसे करंट अफेयर्स की जी हमारी क्लास रहती है और डेली मिल रही है आपको। सारी क्लासों को आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ नोट्स बना। चलो भैया एक मोटा सा कैप रजिस्टर लेके, चूंकि पिछले 6 महीना पिछले 8 महीना की करंट अफेयर्स कम से कम पूछ ली जाते हैं पुलिस जैसे एग्जाम में, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर दे लो, चाहे यूपी पुलिस का दे लो, चाहे एमपी पुलिस का दे लो, चाहे बिहार पुलिस का दे लो। अभी बिहार पुलिस में 21,000 जगह आई भई है। अगर किसी पुलिस का एग्जाम दोगे तो ये मान के तय मान के चलो कि कम से कम 6 महीना ही करंट पूछ ही जाते हैं। तो 6 या 8 महीना ही करंट जब तैयार रह सकते हैं आपकी, जब लगातार आप अपने नोट्स बढ़िया तरीका से बना रहे हो, कंटिन्यू बना रहे हो, महीना वाई महीना बना रहे हो, तो जब मैं मंथ बाई मंथ आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉप 10 करके ये सीरीज चल रही है हमारी लगातार देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर ले करो, बेल आइकन दबा करो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट लिखो मैंने, यहाँ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ना। रक्त भैया दान देना चाहिए, सबसे बड़ा दान है जी कन्यादान, गोदान और रक्तदान। एक रक्तदान सबसे बड़ा है जो दूसरे के जीवन को बचाता है। अगर इन दोनों दानों में अगर आज के युग के हिसाब से बात करें प्राणों में और शास्त्रों के आधार पर, तो भैया कन्यादान को या गोदान को भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, गाय दान को भी। लेकिन आज के समय में यदि आप रक्तदान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। आज के बाद जब क्लास देखने के बाद जितने स्वस्थ देख रहे हैं, उम्मीद है कि स्वस्थ ही देख रहे होंगे, पुलिस में लगाना होता ठीक है, कोई टीवी वाया तो देख रहे नहीं होगा भैया, टीवी वाया कोई कैंसर वाया। तो 3 महीना बाद डॉक्टरों का, एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकता है आराम से, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं दुनिया में, 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून को, नोट कर लेना छाप लेना। एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे ओ पढ़ते हैं, वो क्या होता है सर्वदाता होता है, वो किसी को भी दे सकता है। और एक ब्लड ग्रुप होता है एबी, वो किसी से ले भी सकता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज करी गई है एक साइंटिस्ट के द्वारा। भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है खोज करी है, वैज्ञानिक को नाम का है जाने रक्त समूह की खोज करी। रक्त की खोज अलग वैज्ञानिक ने करी, खून की खोज और रक्त समूह की खोज अलग वैज्ञानिक ने करी। दोनों अलग अलग वैज्ञानिक रहे, बायोलॉजी से जुड़े हुए। तो दोनों के कमेंट बॉक्स में नाम बताइए भैया। और हर 3 महीना के बाद ब्लड डोनेट करना है, किसी किसी का जीवन बच जाए आपके ब्लड से डोनेट करने से या दान करने से, तो जाते बड़ा पुण्य को काम धरती पे पृथ्वी पे कोई दूसरा हतुना है भैया। आओ दूसरा देखो, 109वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा ये, ठीक है। इसमें विज्ञान से समझो आप, विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को कैसे भारत में बढ़ाया जाए, कैसे विद्यार्थियों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में है ना, और क्या क्या काम कर सकता है देश हमारा वैज्ञानिक चीजों में, साइंटिफिक चीजों में। तो उसके लिए एक आयोजन होता है जो हर साल अब होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में होना है, अब नहीं होना है, जो कब होना है 2024 में होना है, लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा 2024 का। अभी 2023 चल रही है तो ये एक साल बाद ही होना है, जनवरी के महीना में होगा, ठीक है। तो जय याद रखियो, 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में। साइंस से संबंधित होता है, विज्ञान से संबंधित एक आयोजन होता है, हर साल होता रहता है, ये कोविड की वजह से नहीं हो रहा। अग्निपथ योजना बहुत चर्चा में रही, खूब पढ़ रखी होगी तुमने। 4 साल के लिए जो आर्मी में सिस्टम लागू कर दिया सरकार ने, इंडियन आर्मी के अंदर जो व्यवस्था लागू कर दी कि जो भर्ती होगा जवान वो 4 साल तक सेवा देगा, बाकी बाद रिटायर रह जाएगा, ठीक है। 25% ही उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे सर्वाइव करेंगे आर्मी के भीतर, और 75% रिटायर रह जाएंगे, फिर मैंने आरक्षण दे जाओ अलग अलग फोर्सों में, ऐसी व्यवस्था है जी। इसी को बोलते हैं अग्निवीर। 14 जून 2022 को ये लागू करी, आज से जस्ट एक साल पहले, मतलब एक दो दिन आएगी, आज 15 जून है। यह बात याद रखियो, सामान्य व्यक्ति में जो खून होता है रक्त की मात्रा कितनी होता है, 5 से 6 लीटर होते हैं। और हर 3 महीने बाद क्या दे सकते हैं, हर 3 महीने बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है। क्या दान कर सकते हैं, रक्तदान महादान। आप देखते हैं हॉस्पिटल में लिखो रहे हैं तो रक्तदान महादान, इसी वजह से महादान बोलते हैं कि करना चाहिए। करियो भैया, हमू करेंगे, ऐसे नहीं कि हम तुम्हें बता रहे हैं, हमू करेंगे, आगे चल के करेंगे। वैसे और दान करते रहते पर ये रक्तदान करेंगे। पृथ्वी पर सबसे घने वन की बात करें, सबसे ज्यादा घने जो वन पाए जाते हैं या जंगल पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो विषुवत रेखा के समीप पाए जाते हैं। कौन सी रेखा के समीप पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के समीप। अगर ये प्रश्न रेखाओं में आ जाए, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है, ये 3 रेखा आते हैं दुनिया में। ये तीनों रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, जो दिखेंगी कौन नहीं भैया, वैज्ञानिक ने खींची है, जो बहुत सारे मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा भी है भूगोल की दृष्टि से। तो सबसे घने वन जा रेखा के पास पाए जाते दुनिया में, और जाइए कहा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं जाइए, एक ही बात है।
या तो विषुवत रेखा पढ़ लो या भूमध्य रेखा पढ़ लो, है ना, या क्या बोल देते, जीरो रेखा बोल देते, क्योंकि दुनिया में बिल्कुल बीचों बीच से खींची गई है। कहां से खींची गई है? विश्व में बिल्कुल पृथ्वी में बीचों बीच से जावे दे, जीरो रेखा बोल देते, है ना। जहां रेखा पे पड़े हुए भाई जितने दुनिया के देश होंगे बिन सब देशों में घने बन पाए जाएंगे, सिंपल सी बात ये है। और कोई देश आ जाए ऑप्शन में तो यही थे आंसर सही आ जाओ तुम्हारा। दुनिया की बात कर रहे हैं, अफ्रीका में आप जाएंगे तो बीच में ये कांगो में आके जा रही है, कौन से देश में, कांगो में। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, 54 में थे सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो कांगो में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में। कांगो एक नदी को नाम है, कांगो का है लाला, एक नदी को नाम हो कांगो, जाको पुराना नाम जा रहे हो, जो विषुवत रेखा है दो बार काटते है, याद भयो कि नहीं भयो, और जंगल याद भय कि नहीं भय, तो वही लॉजिक तो याद कर सकते जोड़ के चीजन ने, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी उड़ने वाला, तो सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता, सारस को, और सारस उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय पक्षी भी है। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना, बड़ा चर्चा में रहा अभी हाल ही में, क्योंकि एक व्यक्ति था और उसकी दोस्ती की वजह से बड़ी चर्चाओं में रहा था, बड़े वायरल वीडियोस होते रहे। सरकार ने फिर उसे लेकर के कहाँ पे भेज दिया, चिड़ियाघर में भेज दिया, कानपुर के में उसे फाइनली शिफ्ट कर दिया। पहले समस्तपुर चिड़ियाघर में पक्षी विहार में शिफ्ट किया, वो रायबरेली में पड़ता है, फिर बाकी बात कानपुर में शिफ्ट कर दो भैया, ठीक है। तो जब पॉइंट याद रखें, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगरों को बचाने के लिए भैया एक प्रोजेक्ट चलाया सरकार ने कि भैया टाइगर्स को बचाया जाए, जिससे कि इकोसिस्टम बना रहे, इकोसिस्टम बना रहे। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, शुरू किया, तो कौन सी वर्ष में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छापलियों और आंतो जी बहुत पेपर में, बहुत आंतो, धुआंधार आंतो जी। प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी वर्ष में, 1973 में, ठीक है। एक खेती होते है झूम की खेती, काय की खेती होते है, झूम की खेती, जब खेती है स्थानांतरण खेती कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, जब खेती है स्थानांतरण खेती, ठीक है। स्थानांतरण को मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जनजाति समूह इस खेती को करता है वो स्थान बदलता रहता है, जगह परिवर्तित करता रहता है। जैसे एक पहाड़ पे किया, वहां से पेड़ों को जंगलों को काटा, वहां पे खेती करी, फिर वहां से आगे बढ़ गए, फिर वहां से आगे बढ़ गए, अनवरत रूप से स्थानों को बदलते रहते हैं, इसी को झूम की खेती बोलते हैं, इसी को स्थानांतरण खेती बोलते हैं। आमतौर पर ये बात करें तो नागालैंड है, आसाम, इन राज्यों में बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य में है, जानते कोई दिक्कत ना है, आप उत्तर पूर्वी राज्य भी लगा सकते हैं, नागालैंड वैसे लिख रखा है मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है। अब जैसे हम तुम बाजार जानते भैया, जैसे घी खरीद भी गए और कोई खाने के प्रोडक्ट खरीदने गए जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे एक इको मार्क लगा आता है, एक चिट लगी आती है उस प्रोडक्ट पे, जैसे घी का डिब्बा लिया आपने, तो इको मार्क, इको मार्क का मतलब होता है पर्यावरण की दृष्टि से ये जो प्रोडक्ट हम बाजार से ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, कोई दुकानदार से ले रहे हैं, वो शुद्ध है, प्योर है, या प्योर नहीं है, अशुद्ध है, पर्यावरण की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से। तो इको मार्क का चिन्ह किसे रिप्रेजेंट करता है, पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है, उसकी दृष्टि से कितना प्रोडक्ट शुद्ध है। तो इको मार्क जो व्यवस्था जी लिखी है मैंने, इको मार्क कब लागू हुआ हमारे भारत में, 1991 में लागू हुआ, जरा नोट कर लेना, जो सारे प्रोडक्टों पे आता है लिखा हुआ, ये टैग लगा हुआ आता है, एक चिन्ह लगा हुआ आता है, ठीक है। पर्यावरण के प्रति शुद्धता का प्रतीक है ये, पर्यावरण के प्रति शुद्धता, कब लागू हुआ, 1991 में, और 1991 में भारत में क्या हुआ, उदारीकरण भी हुआ था, भारत की सीमा को खोला गया था व्यापार बढ़ाने के लिए, इस बात को भी याद रखना, लाइसेंसी राज को खत्म किया गया था, इस बात को भी याद रखना, है ना। डॉक्टर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इस बात को भी याद रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे भारत के, ये पॉइंट भी याद रखना। भूमंडलीकरण किया गया था या वैश्वीकरण किया गया था, उदारीकरण किया गया था, एलपीजी सिस्टम लागू किया गया था, कौन सा सिस्टम, एलपीजी, शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं उदारीकरण वाले। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, बाघों को सुरक्षित रखने के लिए, कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, कौन सी जुलाई को, 29 जुलाई को मनाते हैं। जब वो लिख लियो, छाप लियो, नोट कर लियो, पहली बार भारत में आपातकाल कब लगा, राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा, कौन सी वर्ष में लगा, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लियो भैया, आपातकाल पहली बार 1962 में लगा, कब लगा, जब चीन से लड़ाई आएगी भारत की, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, है ना, तो राष्ट्रपति को जो पावर है संवैधानिक रूप से काय की घोषणा करी जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत लगाए जाते हैं, संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और कौन लागू करता है इसको, राष्ट्रपति, किसके आधार पर, कैबिनेट के आधार पर, कैबिनेट की लिखित सूचना के आधार पर, और कैबिनेट का मुखिया कौन रहता है, प्रधानमंत्री,
तो आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रमुख जो व्यक्ति इसमें रोल निभाता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है, लेकिन ये संवैधानिक पूरी प्रोसेस है। तो भैया ये टॉप 10 क्वेश्चन, और अंत में बात ये है कि जो छोरे अधिकाएं बड़े बड़े कब वो हताश और निराश है, याद है सब बच्चों के लिए मैसेज है कि भैया जो हमारे पूर्वज रहे कई लाख साल पहले, जैसे भगवान राम, तो भगवान राम अयोध्या के राजकुमार बनने वाले थे, और अयोध्या मतलब अवध, अवध का मतलब जो यूपी के लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उन सब ने मिला के अवध बोला जाता था, पहले पुराना नाम अवध रहता था रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार। तो जो एक व्यक्ति राजकुमार बन सकता था और रह सकता था जनमत के आधार पर, जनता के आधार पर, जनता चाह रही थी अयोध्या की कि आपको वनवास नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने नीति का पालन किया, पॉलिसी का पालन किया, वचन का पालन किया, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो रामायण और रामचरितमानस में लिखा गया है, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए, तो ये सिद्धांत रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया जब वो राजकुमार बन सकते हैं, इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट के राज्य अभिषेक होने जा रहा था भगवान श्री राम का, लेकिन 14 साल का वनवास भी की के लिए चले गए, वो क्यों चले गए, नीति का पालन किया उन्होंने। तो इस वजह से भैया 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब भगवान ने 14 साल लग गए वनवास जावे में, और वनवास दिया गया उनको, राजकाज छोड़ के गए, तो सुख सुविधाओं से दूर रहो, अगर मेहनत करनी है तो विपरीत परिस्थितियों में करनी पड़ेगी। गए तो राम बन के वनवास, लेकिन जब लौटे 14 साल बाद, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के लौटे, जो अंतर होता है, मर्यादा मतलब मर्यादा उनके जीवन में आ गई थी, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम, पृथ्वी के जितने भी पुरुष हैं, और वन गए तो वन गए थे वो, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वन गए तो बन गए। इस वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है। तो आप उदाहरण ले सकते हैं, अपने ग्रंथों से उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे महान लोगों से उदाहरण ले सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को यदि हम पढ़ेंगे, तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, तो भैया एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे मिसाइल मैन रहे, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे जाने माने, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे जाने माने, भैया अखबार बांटे हुए जानते उनके जीवन में पढ़ेंगे तो, गरीबी घर में पैदा भाई, 4-5 भाई थे और अखबार बांटने का काम किया, और अखबार बांट के जो रुपया नेका बहुत मिलते, बातें का गरीब ने पढ़ाई करी अपने जीवन की। तो किसी भी महान पुरुष के जीवन को उठा करके देख लीजिए, जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ गया वही आगे बढ़ गया है, कहीं से भी आप उठा के देख लें। इस वजह से अपने जीवन में कभी हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि वो आपको ऊपर तक, एक उच्चतम स्तर तक ले जाता है आपका, आपकी जो मेहनत होती है, आपकी जो पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जो लगातार आप मेहनत करते हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में, तो अनवरत रूप से आप लगे रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये करंट अफेयर्स की हमारी क्लास थी, इसको आप शेयर करते रहें, नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां जहां आपको लगे वहां धुआंधार आप शेयर सब्सक्राइब बच्चों के साथ इस चैनल को कर सकते हैं, और खुश रहें, सुरक्षित रहें, और तूफान उफानों से बच के रहें, क्योंकि तूफान बहुत आ रहा है, एक विपर्य तूफान आ रहा है, इधर तो नहीं आना, लेकिन समुद्रों के किनारे पश्चिमी तट पे आ रहा है, वो गुजरात को ज्यादा खतरा है, बॉम्बे को ज्यादा खतरा है विपर्य से, और आने वाले समय में आ भी सकता है क्वेश्चन, विपर्य तूफान कौन से तट से टकराया, पश्चिमी तट से, कौन से राज्य को नुकसान पहुंचाया, गुजरात को नुकसान हो सकता है, संभावना है उसकी, क्योंकि उसी इलाके में उसी क्षेत्र में वो आ रहा है। नाम किसने दिया इस तूफान का, बांग्लादेश ने नाम दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं भाई साहब, हम यहाँ अगली क्लास में कल आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, जीएस के क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आर्टिकल 47 का सम्मान करते रहिए, और तमाकू में स्थित निकोटिन से दूरी बना करके रखें, कछुआ दें नजदीकी बनावे भाई। तो नमस्कार।